इतना नहीं है। बस ठीक है। लेकिन जिंदगी यार सीधा ट्रैक पे चलना ही नहीं चाहती है। ये मेरा सेकंड ट्रिप है, यूं कहिए तो घूमने जा रहे हैं, जैसे लगता है कि घूमने ही जा रहे हैं। और 29 किलोमीटर की ये ट्रिप है हमारे रिठिया से। और ये देख लीजिए चीनी मिल है, दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन देख लीजिए। और इस चीनी मिल से हमारा जो है जर्नी स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए फिर स्टार्ट है। स्टूडेंट धनंजय जो बोल रहा है कि हम भी साथ में चलेंगे और देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं। तो चलिए इनके भी हौसला को डाउन ना करके, और जो है साथ देने के लिए आ रहे हैं हमारे साथ हमारे दोस्त ज्ञानेंद्र। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं इस रेस को। दोस्तों ये वही रोड है जहाँ से मैं पहला अपना ट्रिप स्टार्ट किया था, 25 किलोमीटर वाला, और पिपराइस से जो कुसमी वाला रोड है ये वही रोड है, आप लोग पीछे देख सकते हैं। और सेकंड वाला इसी पे चल रहा है। और लगभग मेरे गांव से 3.5 या 4 किलोमीटर आई थिंक होगा, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है अभी। आगे जो दिखेगा कि
वहाँ डिवाइडर पे लगा होता है ना कि कितना किलोमीटर का हुआ, तो फिर मैं वहाँ से आप लोगों को फिर बताऊँगा कि कितना किलोमीटर मैं आ गया हूँ। अभी जो है फिलहाल मैं अभी ट्रेन जा रही है, लग रहा है रुकना पड़ेगा, लेकिन थोड़े से हम लोग दूर हैं और अपना स्पीड जो है स्लो कर लिए हैं ताकि ट्रेन चली जाए और मेरा रेस है जो वो रुके ना। तो देखिए ये ट्रेन भी निकल गई और आई थिंक कुछ ही टाइम में ये जो है बैरियर जो लगा हुआ है वो ओपन हो जाएगा, तो देखिए क्या होता है। तो अभी तो बैरियर ओपन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग बैरियर के नीचे से जो है निकल जाएंगे, क्योंकि रुकने का प्रयास तो कभी नहीं होगा, है ना। जब तक मंजिल नहीं मिल जाती तब तक क्या ही रुकना है। तो ये बैरियर लगा हुआ है और यहाँ पे इस बैरियर से भी हम लोग जो है वो डाउन होके क्या कर जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन हम लोगों के आते आते ही बैरियर जो है ओपन हो गया। तो ये रही बैरियर ओपन। ये हम लोगों का रहा पिपराइस ब्लॉक और इस ब्लॉक से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ गए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे वाले रेस में। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। ज्ञानेंद्र भाई भी कब बहुत मजा आ रहा है। धनंजय बाबू देख लीजिए बैठ गया पूरा, राहुल बाबू तक कैमरा मैन फोकस कर रहा है। लेकिन यार एंजॉय है दौड़ने में, तो ऐसे लग रहा है कहाँ जिंदगी है, चलो ऐसे चलते रहे तो कितना मजा आएगा, है ना। लेकिन जिंदगी यार सीधा ट्रैक पे चलना ही नहीं चाहती है। हाँ चलिए अपना जर्नी कंप्लीट करते हैं। मोतीराम के लिए मैं मुड़ चुका हूँ। नेक्स्ट डे जब मैं किया था 25 किलोमीटर का, तो गोरखपुर वाले रोड पे गया था, लेकिन अभी जो है मैं टर्न करूँगा मोतीराम वाले रोड पे और वहीं जो है मेरा डेस्टिनेशन कंप्लीट होगा।
हासिल हो रहा हूँ। Yeah!